मुझे अच्छी लगी, आई थिंक इट इज़ अ वन टाइम वॉच. तेलुगु मूवी अला वैकुंठ पुरामुल्लु की कॉपी है ये, और लग रहा था कि फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी की होगी, बट ये इसमें कार्तिक का एक अलग यूनिक स्टाइल है. मैंने इसका रिव्यू, मतलब जब टीज़र रिव्यू किया था तो मैंने बोला था कि बिल्कुल उनकी कॉपी कर रहे हैं, और एक्शन सीन्स भी उन्होंने डिसेंटली आई थिंक निभाए हैं. तो रोमांस के लिए जाने जाते हैं कार्तिक आर्यन, बट ठीक है, ही वॉज डिसेंट, क्वाइट अ डिसेंट अटेम्प्ट इन एक्शन मूवी. व्हाट अबाउट कृति सेनन? कृति सेनन के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड शी लुक्स सिजलिंग हॉट गॉर्जियस, एंड वो तो है ही, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है. म्यूजिक बहुत अच्छा है प्रीतम का, एडिटिंग भी क्रिस्प है रितेश सोनी की, हालांकि मुझे अभी भी लगता है 2.25 घंटे के थोड़े सीन्स एडिट किए जा सकते थे. सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है सुदीप चैटर्जी और राजेश गुप्ता की, और डायरेक्शन अच्छा है रोहित धवन, जिन्होंने डिशू मूवी देसी बॉयस बनाई थी. तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वन टाइम वॉच, एंटरटेनिंग है. फर्स्ट हाफ बहुत एंटरटेनिंग है, सेकेंड हाफ थोड़ा फिजल आउट हो गया, इतनी सीजन एक्टर्स थे उनको वेस्ट किया, जैसे मनीषा कुराला, रोहित रॉय, राजपाल यादव भी थे, उनका भी छोटा सा रोल था. परेश रावल वॉज एज यूजल, ही वॉज गुड, बट कार्तिक आर्यन एज द प्रोटैगनिस्ट, ही इज़ गुड. इमोशनल सीन्स हो या कॉमेडी हो, हिज कॉमिक टाइमिंग इज ऑल्सो गुड एज वी नो, और ठीक है, वन टाइम वॉच. एक तो मुझे प्रीतम का म्यूजिक अच्छा लगा, एक्शन सीन्स हैव बीन शॉट वेल, और उसके साथ साथ स्टोरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है, इवन इफ यू हैव नॉट सीन द तेलुगु वर्जन, थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है, बट नेवरदलेस इट्स अ गुड अटेम्प्ट आई वुड से. इट इज अ फैमिली मूवी, एंड यंगस्टर्स वर एंजॉयिंग इट, क्वाइट अ फ्यू यंगस्टर्स विद इट, एंड हर एज ग्रुप के लोग ये मूवी देख सकते हैं, बिकॉज पीपल वर एंजॉयिंग इट. Lastly, how many stars are you going to give? I will give 3 stars overall. क्योंकि एक तो ये adaptation है, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि frame by frame, but I think it's a decent attempt. 3.5 तक जा सकती थी अगर थोड़ी और edit हो जाती, और बाकी कार्तिक आर्यन मुझे लग रहा था वो सूट नहीं करेंगे, बट action scenes उन्होंने अच्छे से ही निभाए. सहजादा देख के आए, सहजादा का रोल कार्तिक आर्यन ने अच्छा किया है, लेकिन टाइम पास ही पिक्चर निकली, वो भी फुल इंटरटेनिंग थी. मतलब कोई स्टोरी में कोई दम नहीं है, और लेंदी भी हो गई थोड़ी, ये 2.5 घंटे की पिक्चर कर दी, ये दो घंटा पाँच दस मिनट की पिक्चर होनी चाहिए था, 2-3 गाने भर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मारपीट दिखा के इसको लंबी किए. और भी बहुत सारे किरदार हैं, किरदार बहुत लिए हैं इस डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने, लेकिन उनको रोल नहीं दिया गया. कॉमेडी पिक्चर बनाने का कोशिश किया, लेकिन उन लोग को रोल नहीं मिला, कॉमेडी जरा भी हुई नहीं. देखो मैं तो ये बोलूँ ना कि कार्तिक आर्यन को छोड़ करके मैं तो बोलूँ ना कृतिक सेनन ने काम अच्छा किया, वो लड़की लॉन्ग टाइम तक जाएगी. अब मैं आपको बताता हूँ कार्तिक आर्यन का इसमें क्या क्या गलती हुआ ये मूवी से देखने को मिला, जो कि जब भूल भुलैया मूवी आई थी उनकी ब्लॉकबस्टर होगी तो ये बहुत उड़ने लगे थे. मैं बोला था तभी भी रिव्यू दिया था, मैं ये बोला था ये तो आपका टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, स्टार ऐसे ही नहीं बनते, आपको और भी सीढ़ियाँ चढ़नी है. तो ये यहाँ से उनका मालूम पड़ा क्या खामियाँ हैं. खामियाँ ये है कि रोहित धवन ने जो डायरेक्शन किया है उनकी भी कमी महसूस हो गई, जैसे वरुण धवन की ओवर एक्टिंग में मालूम हो गया, वैसे ही ये लगा कि ये जो है डेविड धवन नहीं बन सकते, क्योंकि डायरेक्शन में इन्हें बहुत जगह पर इन्होंने गलतियाँ किया. स्टार्टिंग से ही मूवी ये छोड़ते चले गए, और इंटरवल तक क्या दिखा रहे हैं क्या बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हंसने को नहीं कुछ नहीं, खाली इसके अंदर जो जूने एक्टर हैं उनका थोड़ा एक्टिंग सही है, जैसे आप पकड़ लो परेश रावल, फिर उसके बाद जो है अपना रोनित राय, और अपने जो बीच में बताए राव यादव जो हैं वो थोड़े टाइम के लिए थोड़े हंसा वसा दिए, अच्छी बात है डाल दिए, थोड़ी बहुत हंस लिए हम लोग. ठीक है, इंटरवल हाफ में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और मैं जाने वाला था, लेकिन मैं बोला पूरी की पूरी मूवी ही क्यों ना देख के जाओ जब देखना ही है, तो इंटरवल मुझे अच्छा नहीं लगा, बेकार लगा. इंटरवल के बाद जो है थोड़ी हंसी हुई, आते हैं मिलते हैं, फिर उसके बाद जो है इसमें पूरा मेन पार्ट जो है लास्ट में जब वो पूरा परिवार मिलता है ये होता है, वही एक सीन है जिसमें लगा कि ये डायरेक्शन कर रहे हैं. इन्हें भी ये वीडियो दिखे तो ये देखना चाहिए कि मैं उन्हें क्या बोल रहा हूँ. रोहित धवन ने जो ये डायरेक्शन किया है इनकी बहुत गलती है, इन्हें खुद बैठ के देखना चाहिए. सहजादा पिक्चर देखने के बाद मैं एक ही वर्ड बोलूँगा कार्तिक आर्यन सर को कि प्लीज़ अपना एक्शन मूवी मत करो. फर्स्ट काम उन्होंने एक्शन क्या शूट किया ही नहीं, फर्स्ट नंबर मूवी रीमेक है तेलुगु मूवी अल्लू अर्जुन की. मतलब कि बॉलीवुड को बोलूँगा ना कि आप रीमेक करना ही बंद कर दो, क्योंकि रीमेक जो मूवी आप उठा के लाते हो ना
यहाँ पे सही से बन नहीं पाती है। जितने पहले फिल्में बन चुकी है वो चल गई, लेकिन अब नहीं चलती है रिमेक। बाकी रहा कार्तिक आर्यन का सवाल, ये कॉमेडी अच्छे करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भूल भुलैया में किया था सुपर किया था, यहाँ पे वो शूट कर ही नहीं रहे बंटी के रोल में, 0% भी शूट नहीं किया बंदे ने। सच्ची बोलो पूरी की पूरी बोरिंग मूवी है। फर्स्ट हाफ तो पूरा एडिटेड है और सेकेंड हाफ फैमिली ड्रामा में खींच के ले गया मूवी को। मूवी 2 घंटे 25 मिनट की है, मूवी को और छोड़ा करते हैं, करेक्टर ढीला है, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं था। मेरे को लगा चलो सलमान खान का रीमेक किया सॉन्ग तो बीच में कहीं पे ऐड होएगा, वो गाने लास्ट में ऐड किया उन्होंने और पब्लिक आधा से बेसी तो बाहर आ जाती है। शहजादा अच्छी है, अच्छी है। कार्तिक का काम अच्छा है, ठीक है। फिल्म पुराना 90s का स्टोरी थी तो उसका ही रीमेक बना के एक दिखा दिया, बट फिल्म में जितनी एक्सपेक्टेशन लग रही थी मुझे उतना तो कुछ लगा नहीं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? बेस्ट पार्ट तो सिर्फ कार्तिक के डायलॉग से, कृति सुनन बहुत अच्छी लग रही थी और बाकी, लेकिन एक होता है ना कि जिस तरह से उन्होंने ट्रेलर कट किया था फिल्म इतनी अच्छी है, उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं। पुरानी फिल्म ऐसी 90s में हमने फिल्में देखी हैं, बहुत सारे बच्चे चेंज होने वाली और ये सब जो ट्रेलर में दिखाया था सेम वही स्टोरी है। बाकी कार्तिक का काम अच्छा था, बट मुझे कार्तिक का मतलब अगर स्क्रिप्ट वाइज गए तो ये फिल्म उसको चूज़ नहीं करनी चाहिए थी। हाँ उसके डायलॉग अच्छे थे, बेटे का माँ से और ये सब डायलॉग वो जो बोलता है, जिस तरीके से उसके मोनोलॉग फेमस होते हैं तो वो उसने बोले थे, वो चीज़ें अच्छी थी। 3 according to me। शहजादा मूवी फाइनली बहुत अच्छा मूवी गया है और बहुत टाइम के बाद एक पारिवारिक जो मूवी जिसे कहते हैं वो आया है और बहुत हैप्पी हूँ। कार्तिक सर का वर्क बहुत अच्छा रहा, बट इसका प्रमोशन बहुत कम हुआ है तो मुझे लगता है कि पब्लिक को आना चाहिए, इस मूवी को देखना चाहिए, बहुत मस्त। म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक बेस्ट से बेस्ट लेवल पे गया। फाइव में से मैं 5 देना चाहूँगा, बट इसका रेटिंग का मतलब नहीं है, बट इसका फैमिली को देखना चाहिए, इस मूवी को फैमिली से है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि मतलब जितने भी लोग इस मूवी को देखने आएंगे उनको कहीं ना कहीं एक फैमिली का फीलिंग नज़र आएगा और जितने भी मनमुटाव होते हैं हर सभी फैमिली में उसको सब ठीक करना चाहिए। थैंक यू। It's a very good movie. The comic lines are very good, but I felt that Kriti Sanon's character was very less. She has no dialogues, so it could be much better. But it's good. Music kaisa? The music is good. And Kriti Sanon comes in only in songs to dance. She has no dialogue and no screenplay, but it's a very good movie. Worth a watch. Story is good, but it could be much better. Okay.